Yeah, it's your man, Hello Sandhu, Black Oscar. Hello, दोस्तों, आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं वो सिंगल फेज सप्लाई का है. दोस्तों, ये सिंगल फेज सप्लाई सीधे पोल से आ रही है और सिंगल फेज एनर्जी मीटर से होते हुए सीधे यहाँ से होते हुए वो घर में जा रही है. दोस्तों, ये जो है ना, ये है लोड वन. लोड वन यानी कि इसको वायर से दर्शाया गया है, यानी कि येलो वायर एल वन यानी कि लोड वन. ये लोड टू ब्लैक नहीं, सॉरी ब्लू है. लोड टू, लोड थ्री रेड. फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, तीन फेज और एक न्यूट्रल. फेज एल से एक न्यूट्रल फेज निकाला और इस फेज को यहाँ से होते 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 हुए सीधा यहाँ पे एनर्जी मीटर में फर्स्ट वाले टर्मिनल में दिया सर. और यहाँ से न्यूट्रल निकाला और सीधा सप्लाई यहाँ से होते हुए इसको दी, इसके पास वाले टर्मिनल को दी. दोस्तों, ये होता है कि एनर्जी मीटर में यहाँ से फेज निकलता हुआ सीधा प्रेशर कोइल से होता हुआ इस टर्मिनल से सीधा लोड में आ जाता है. और न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल दोनों पास पास होते हैं इसलिए इन दोनों को शॉर्ट कर देते हैं. यहाँ से शॉर्ट करके फिर एक वायर यहाँ से निकालते हैं और एक वायर यहाँ से निकालते हैं और वो जाता है सीधा करंट कोइल में. दोस्तों, ये मीटर जो रीडिंग बताता है और ये यूनिट घूमता रहता है. दोस्तों, ये है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं वो है वोल्ट एलिमेंट और ये जो गोल 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 है वो है करंट एलिमेंट. तो दोस्तों, सिंगल फेज एनर्जी मीटर में एक, दो, तीन, चार टर्मिनल होते हैं. इसमें फर्स्ट में फेज जाता है, सेकंड में न्यूट्रल जाता है, न्यूट्रल से न्यूट्रल यहाँ पे पास में न्यूट्रल निकलता है, शॉर्ट हुआ न्यूट्रल और यहाँ पे फेज सीधा हमेशा यहाँ पे निकल जाता है. न्यूट्रल को शॉर्ट इसलिए करते हैं कि बाय द वे यहाँ पे फेज दें और यहाँ पे फेज दें, फेज कभी भी शॉर्ट हो सकते हैं, यानी कि कभी भी वो स्पार हो सकते हैं, इसलिए इन दोनों को पास में नहीं देते हुए दोनों को न्यूट्रल न्यूट्रल सप्लाई देते हैं और सीधा न्यूट्रल न्यूट्रल फेज सीधा घर में जाते हैं. इससे क्या होता है कि घर में जितनी बिजली खर्च करेंगे, लोग जलाएंगे, उतनी यहाँ पे रीडिंग बताएगा. ये यूनिट घूमता रहेगा डिस्क और यहाँ पे यूनिट बताता रहेगा. दोस्तों, मुझे इस डायग्राम को बनाने के लिए 30 मिनट लगे हैं और मैं आपको अच्छे से समझा सकूं इसलिए इतनी कोशिश कर रहा हूँ. दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं आपके लिए और इससे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा. मैं अभी भी सीख रहा हूँ इसलिए जैसा सीख रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी अच्छे से अच्छे सिखाने की कोशिश करूँ. ठीक है, अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि ये भाई इधर से ये गलती हो गई है, तो मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करूँगा और उसे सुधार दूँगा. ठीक है, थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.